देखो एक ये मोहतरमा आ गई। हाय हाउ आर यू। हेलो। ये भी फोटो लेने आ गई हमारे साथ। काश हमारा इंडिया भी ऐसे ही प्रोग्रेस करे। हम लोग वापस से जो यहाँ की मेट्रो है उसका टिकट लेके आ गए हैं। अब हम लोग जाएंगे यहाँ से सियान सिटी। लेकिन ये मेट्रो स्टेशन देख के वाह भाई क्या बात है। बस वाले भी इतने सज्जन है यहाँ पे यार। देखो मिया एंड योर लौरा। She is worker. Okay. You are a student. She is worker. Good morning, guys. Welcome back to our YouTube channel, The Indo Tracker. और अभी मैं हूँ चाइना के सेंटर में एक सिटी सिचुएटेड है सियान। पहले आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा सियान, जो यहाँ के फूड मार्केट वगैरह थे और नाइट लाइफ वगैरह भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी यहाँ की। तो आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ से चोंगकिंग। एक सिटी है चोंगकिंग सिटी, यहाँ से लगभग 750 किलोमीटर है। तो अभी हम लोग यहाँ से बस स्टेशन जा रहे हैं। बस स्टेशन से वहाँ से हम लोग लेंगे चोंगकिंग के लिए बस। यहाँ पे वैसे मेट्रो वगैरह चलती है लेकिन मेट्रो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो हम सोच रहे हैं कि बस से जाएं। हम ऑनलाइन चेक कर रहे थे तो ऑनलाइन में बस का फेयर दिखा रहा था 160 यान। 160 यान होता है लगभग 1700 रुपये के लगभग होगा। तो अभी तो हम लोग यहाँ की मेट्रो स्टेशन जाएंगे, वहाँ से बस स्टैंड के लिए मेट्रो लेंगे। तो चलते हैं अभी। और आज हम दो लोग हैं, मैं और धीरज। धीरज का शायद आप लोगों ने चैनल देखा होगा, घूमता इंसान नाम से चैनल है इस भाई का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके चैनल का लिंक दे दूंगा, स्क्रीन पर भी मेंशन कर दूंगा। आप लोग एक बार जाके भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो एक बार देखना, ये भी अच्छे खासे वीडियोस बनाता है। अच्छे ही बनाता है ना, देख लो जाके भाई, पता लग जाएगा अच्छे की बुरी है। एक बार आखिरी बार और दिखा देता हूँ आप लोगों को यार, ये जो सियान सिटी है ना, ये देखो। पहले वाली वीडियोज में शायद पता नहीं आप लोगों ने नहीं देखा होगा। अभी हम लोग चलते हैं मेट्रो स्टेशन और वहाँ के लिए लेंगे बस। ये है यहाँ का मेट्रो स्टेशन। तो अभी देखते हैं यहाँ से हमें कहाँ, मतलब जो बस स्टैंड जाना है। भाई आप लोगों को बताता हूँ कि चाइना में आप लोग मेट्रो का टिकट किस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके की यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ से आप लोग सेल्फ टिकट कर सकते हो। और यहाँ पे मेट्रो के रूट शो कर रखे हैं, देखो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। जैसे अब हम लोगों को लाइन 2 में जाना है, ठीक है, तो लाइन 2 का जो पूरा रूट है वो आप लोगों को शो कर दिया। अब सपोज मुझे यहाँ से हमें बस स्टेशन जाना है, तो बस स्टेशन सपोज ये है बस स्टेशन। अब यहाँ पे आप लोगों को प्राइस दिखा देगा कि 2 यान प्राइस लगेगा। कैश करना है तो आप लोग कैश पे क्लिक करो, ये वाली मशीन में कैश डालोगे तो यहाँ से आप लोगों को निकल जाएगा। तो ये कुछ सिस्टम है यहाँ पे मेट्रो का टिकट बुक करने का। तो अभी यहाँ से हम जा रहे थे चोंगकिंग। चोंगकिंग के लिए यहाँ से एक्चुअली कोई बस नहीं है। हम लोगों ने सोचा यहाँ से मेट्रो स्टेशन से चोंगकिंग के लिए बस ले लेंगे। यहाँ से पहले मेट्रो लेंगे बस स्टेशन के लिए, फिर वहाँ से हम लोग चले जाएंगे बस लेके चोंगकिंग। तो चोंगकिंग के लिए कोई बस नहीं है, तो अब हम लोग जा रहे हैं। देखिए संघाई का प्लान कर रहे हैं यार, और ट्रेन इतनी महंगी है यहाँ पे, पूछो मत। अभी थोड़ी देर में आप लोगों को ट्रेन का प्राइस बताता हूँ यहाँ पे कितना क्या प्राइस है ट्रेन का। अभी हम लोग सियान मेट्रो स्टेशन पे, यहाँ पे हमें जाना है ट्रेन स्टेशन। और ये हम लोगों ने कार्ड लिया है, मुश्किल से आज 4-5 किलोमीटर जो मेन स्टेशन है वहाँ पे जाना है। ये देखो सिल्क रूट हुआ करता था सियान से, तो सिल्क रूट पहले यहीं से हुआ करता था, सियान से होता हुआ सिल्क रूट जाता था चाइना से। तो गाइस लगभग पिछले 1 से 1.5 घंटे से हम ना ये रेलवे स्टेशन से इधर उधर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमें संघाई जाने के लिए टिकट कहाँ से लेना वो पता नहीं चल पा रहा। काफ़ी लोगों से पूछा भी लेकिन किसी को कोई अता पता नहीं है। सबसे बड़ा लैंग्वेज बैरियर है यहाँ पे। और ये है यहाँ का जो मेट्रो स्टेशन है वो काफ़ी बड़ा है भाई। ये ऐसे लगता है जैसे कोई एयरपोर्ट, मतलब अपने तो एयरपोर्ट भी नहीं होते इंडिया में ऐसे तो। और अभी हम लोगों ने वो चोंगकिंग का प्लान था वो तो हमने ड्रॉप कर दिया, और हम लोग जाने की सोच रहे हैं संघाई। संघाई का भी कंफर्म नहीं है अभी, संघाई का भी कंफर्म नहीं है। आज कहे कि संघाई के लिए ट्रेन ही अवेलेबल नहीं है। तो मतलब बुलेट ट्रेन का किराया है 10 से 12 हज़ार रुपये, नॉर्मल ट्रेन है उनका किराया 3.5-3.5 हज़ार रुपये के लगभग है। अब देखते हैं आज हमें ट्रेन मिलती है संघाई के लिए या नहीं मिलती है। अम्मा है जो भाई नाराज हो गई, क्या क्या दिक्कत हो गई। अभी गाइज आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो लोकल ट्रेन चलती है ना, नॉर्मल स्लीपर ट्रेन वगैरह चलती है ना, वो ऑलरेडी बुक चलती है। जो बुलेट ट्रेन होती है ना, उनमें आपको मतलब इंस्टेंटली टिकट मिल सकता है। तो बुलेट ट्रेन जो काफ़ी महंगी है, यहाँ से संघाई के लिए लगभग 10-12 हज़ार की है। मैं सोच रहा था कि मैं यार मतलब नॉर्मल ट्रेन में 2-2.5 हज़ार रुपये दे के चला जाता, लेकिन वो अभी उनमें बुकिंग ऑलरेडी फुल चल रही है, सोल्ड आउट चल रहे सारे टिकट। तो अब देखते हैं दूसरा क्या ऑप्शन होता है। अभी तो भूख लगी है, बाहर जाके थोड़ा बहुत खाना पीना खाऊंगा, फिर थोड़ी सी एनर्जी आएगी, फिर थोड़ा सा दिमाग काम करेगा। अब हम लोग आ गए वापस से मेट्रो स्टेशन के बाहर। ये देखो सांगसी प्रोविंस का, यहाँ पे इन्होंने टूरिज्म के लिए क्या क्या फेमस चीज़ें हैं वो दिखा रखी है यार। अच्छा है सांगसी प्रोविंस वैसे है तो खूबसूरत। सारे प्लान आज मेरे फेल होते जा रहे हैं। वो देखो उधर वो सिटी, जो सिटी सेंटर है ना सांगसी प्रोविंस के, सॉरी सियान सिटी का, वो सिटी सेंटर उधर है। अब मेरे को पता चला क्यों फेल हो रहे हैं आज अपने सारे प्लान। मेरे साथ पनौती है
भाई साहब ये एक नंबर का महापनौती इंसान है। भाई साहब ये एक नंबर का पनौती इंसान है, ये कभी कुछ भी करेगा ना वो कभी नहीं होता इसकी लाइफ में, है ना। तो मैं सुबह से भटक रहा था इसके साथ साथ, फिर मेरे अभी माइंड में आया यार सारे प्लान कैंसिल क्यों हो रहे हैं भाई, मैं क्या मैं पनौती आदमी के साथ हूँ। और ये देखो यार क्या जबरदस्त इन्होंने मेट्रो स्टेशन बना रखा, उधर से काफी लंबा चौड़ा मेट्रो स्टेशन है, ये एक नंबर है। तो आज तो कोई भी प्लान नहीं बैठ रहा, आज मुझे लगता है यहीं पे धक्के खा पी के और हमारा सारा दिन यहीं चौपट हो जाना है, मुझे ऐसे ही लग रहा है आज तो। यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे पियेंगे, भूख लगी है। एक बार और दिखा देता हूँ, ये ऊपर से है ना रोड जा रहा है या कुछ और है यार, मेरे अभी भी समझ में नहीं आया रोड जा रहा है या कुछ और है, पता नहीं जो भी है। यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट वगैरह है, खाना पीना खाते हैं और उसके बाद हम लोग निकलते हैं यहाँ से। क्या पता आज मतलब दोपहर का 2 बज गया, हम लोग आज यहाँ भी रुक जाएं। ये सारा वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन? अरे वेजिटेरियन है भाई, वेजिटेबल तो है बट यही देख लीजिए मुझे खाने को। राइस राइस है क्या इनके पास? मैं तो राइस और एक ओके ये देखो यार ये है की करेंसी, ये 10 युआन है, 10 युआन, ये 1 युआन है, हाउ मच? और ये 50 पैसे हैं, ये तो दे दे, हाउ मच? 19 19 1 9। चावल खाने के लिए ये दिया उस मोहतरमा ने, अब इससे चावल कैसे खाएंगे मेरे को समझ में नहीं आ रहा, स्पून लेना पड़ेगा मेरे भाई। नहीं मैं बताता नहीं आता, देख कैसे लिया, स्टिक राइस है ऐसे किया समझा, कैसे खाना है। हाँ इसको खा, इसको इसको मिला मिला खा दे खाने। वेजिटेबल मूंगफली है और ये शायद गोभी टाइप का है और ये शायद क्या है ये यार, वो एलोवेरा तो नहीं है। ये देखो यहाँ पे ये है चाइनीज फूड ना, यहाँ पे काफी सारे वेजिटेरियन ऑप्शन है इनमें। तो मैंने पहला ऐसा रेस्टोरेंट देखा है सियान में जहाँ पे इतने वेजिटेरियन ऑप्शन अवेलेबल है। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं यार कि चाइना में ना मतलब वेज फूड अवेलेबल ही नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, आओ खाओ पियो बढ़िया मस्त मजे। और ये देखो अभी हम लोग जो ये है ना अपना मेट्रो स्टेशन, इसी के बाहर ही खड़े, तो थोड़ा सा मैंने सोचा एक बार इधर भी दिखाई देता हूँ। ये देखो यहाँ की इलेक्ट्रिक बसें क्या जबरदस्त बसें हैं, देखा। काश हमारा इंडिया भी ऐसे ही प्रोग्रेस करे, हम भी है जो चाइना की 18 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है उसको पीछे छोड़े, एक दिन छोड़ेंगे वो है। यहाँ पे वो देखो सामने है ना पुलिस वगैरह की गाड़ियाँ वगैरह हर जगह, यहाँ पे पुलिस बहुत भाई साहब बहुत मतलब बहुत स्ट्रिक्ट नहीं कह सकता लेकिन बहुत ईमानदार है भाई, बहुत ऑनेस्टी के साथ ये लोग ना अपनी ड्यूटी करते हैं भाई, ऐसा नहीं है। यदि आप लोग उनसे बात कर रहे हो तो आप लोगों के साथ रूडली बिहेव करेंगे, बहुत ही पोलाइटली बात करते हैं और ड्यूटी बहुत ऑनेस्टी के साथ। आर्मी देख लो यहाँ, ये पुलिस देख लो और यहाँ भी कोई भी देख लो यार, जो मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉई है हर आदमी मतलब बहुत ऑनेस्टी के साथ अपने अपनी ड्यूटी करता है यहाँ पे। अपने इंडिया में ऐसा ऐसा मतलब इंडिया में क्या होता है कि जैसे कहीं अपन चाइनीज लोग देखते हैं ना तो अपनी मेंटेलिटी पता नहीं मतलब थोड़ा सा अलग सी हो जाती है लोगों की। हालांकि कहीं ना कहीं मेरे माइंड में भी था जब मैं पहले यहाँ पे आया था ना, चाइना में आया था ना, इससे पहले था, लेकिन यहाँ आने के बाद मतलब जो मेरा परसेप्शन है ना यहाँ के लोगों के प्रति वो बिल्कुल चेंज हो गया है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ के लोगों ने इतने अच्छे से ट्रीट किया है भाई कहीं भी जाओ। तो हम लोग वापस से आ गए यहाँ के मेट्रो स्टेशन पे और ये देखो इधर एक्चुअली हम लोग एक और सिटी हम लोगों ने डिसाइड किया है, तो हम लोग उस सिटी का टिकट बुक करने में हम लोग ना एक और जो चोंगकिंग सिटी है ना वहाँ की अभी वहाँ पे बैठे बैठे ट्रेन टिकट चेक कर रहे थे तो वहाँ की अवेलेबल बता रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग वहाँ की ट्रेन टिकट बुक कर लेते हैं। चोंगकिंग की 2 टिकट मिली है, 1 स्लीपर और 1 सिटिंग, जो कि सिटिंग ले रहा है धीरज और स्लीपर ले रहा हूँ मैं। प्राइस तो अभी बताता हूँ, ये मोहतरमा है जो काफ़ी हेल्पफुल लगी, इसने हमें कल मॉर्निंग का टिकट दिया है 7:26 पे, 7:26 पे इतना जल्दी उठना भाई मेरे लिए तो इतना बहुत मुश्किल होगा। और 178 युआन प्राइस है टिकट का, स्लीपर टिकट का 280 दोनों का है टोटल, तेरा 102 है मेरा 178, 280 हो गया टोटल जो प्राइस हुआ ना 3,100 इंडियन रुपीज हुआ है दो लोगों का, एक स्लीपर एक सीटिंग। चाइनीज युआन देख लो आप लोग भी, 100 युआन। यहाँ पे वीजा भी लेंगे आपका, जब टिकट बुक करते टाइम आपसे वीजा भी देखेंगे, पासपोर्ट की सारी डिटेल्स वगैरह ऐड करेंगे। तो गाइज फाइनली हमें जहाँ जाना था चोंगकिंग, चोंगकिंग के लिए हमें
हमने प्लान तो यार बस से बनाया था, लेकिन बस से ना बन के हमारा प्लान बना ट्रेन से, वो भी हम लोग कल निकलेंगे। और ये आपको जो सामने वॉल दिख रहे हैं ना, पहले मैं बता रहा होगा शायद इसके ऊपर से बसें वगैरह जाती होगी, लेकिन बसें वगैरह नहीं जाती है। ये है सियान वॉल, द सियान वॉल। हमारी जो हॉस्टल थी ना वो सिटी सेंटर में है, मतलब बेल्ले टावर, जो मेन सिटी सेंटर वहाँ पे एक बेल्ले टावर है। तो हमें बस लेनी है यहाँ से बेल्ले टावर के लिए, बस मिल जाती है शायद बेल्ले टावर के लिए बस मिल जाएगी, और वहाँ पे वो बस स्टैंड है, वहाँ से हमें बस लेनी है बेल्ले टावर के लिए। और चाइना में पता है टेस्ला गाड़ी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, जहाँ जाओगे मतलब हर जगह टेस्ला गाड़ी देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ से पूछना है बेल्ले टावर कौन सी बस जाएगी, मतलब ये लिखी हुई है कि यहाँ पे कहाँ कहाँ के लिए बसें वगैरह मिलेगी। 602 बस नंबर, 607 नंबर बस जाएगी यहाँ से। अभी हमें करना है ट्रांसलेट। नो कनेक्शन भाई, ट्रांसलेट नहीं कर रहा, पूछना ही पड़ेगा भाई, ट्रांसलेटर काम नहीं कर रहा, स्कैनर जो है ना वो काम नहीं कर रहा। यहाँ पुलिस वाले से पूछ रहे बेल्ट और कौन सी बस जाएगी। धीरज उससे पूछ रहा है, वो देखो 4 से 5 लोगों को तो पूछ चुका, वो दिखा रहा है कि बेल टावर कहाँ जाएगी, कौन सी बस जाएगी। लोग हेल्पफुल है, पुलिस वाले भी हेल्पफुल है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप लोग किसी से बस वगैरह पूछो कि वो बस कहाँ जाएगी, तो यदि आपके समझ में भी नहीं आता है ना, तो कभी कभी वो खुद भी आपको बस स्टैंड छोड़ने चले जाते हैं कि हाँ ये बस जाएगी, इसमें आप लोग बैठ के चले जाओ, ऐसा भी होता है यहाँ पे। बड़ी मारामारी है यार, वो बेचारा पुलिस वाला ना हमारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हेल्प कर नहीं पाया, उसके समझ में नहीं आ रहा ट्रांसलेटर से भी बस कौन सी जाती है। बाहर में जाए सब, वापस से मेट्रो लेके हम लोग वापस से वहाँ जाएंगे बेल टावर सिटी सेंटर जो है ना, कहाँ बसों की इतनी देर हो गई हमें इधर मत्था पच्ची करते हुए बसों के चक्कर में। हम लोग वापस से जो यहाँ की मेट्रो है उसका टिकट लेके आ गए हैं, अब हम लोग जाएंगे यहाँ से सियान सिटी। ये है यहाँ का मेट्रो स्टेशन, देखो क्या खूबसूरत क्लीन मेट्रो स्टेशन है ना। एक तो यहाँ पे ट्रेवल करना इतना बहुत ही मुश्किल है ना, क्या बताऊँ, हद से ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे ट्रेवल करना। एक तो लैंग्वेज बैरियर है, फिर उसके बाद यहाँ पे मेट्रो स्टेशन वगैरह इतने बड़े बड़े होते हैं ना, पूछो मत, एयरपोर्ट के जितने बड़े बड़े, आप लोगों को एक मेट्रो स्टेशन पे चक्कर काटते काटते मतलब इतना टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो आज का दिन तो हमारा ऐसे ही चला गया, तो कोई ना, आज हम लोग सियान सिटी को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन ये मेट्रो स्टेशन देख के वाह भाई वाह, क्या ज़बरदस्त वाइब्स आ रही है। इस भाई से पूछ रहे हैं यार, एक बार हमें बता दे बेल टावर। ओके दच्चे सी, ओके ओके, ट्रांसपोर्टर लाइन 6, ओके। ये देखो आ गई जनता यहाँ पे मेट्रो लेने के लिए, ट्रेन आ गई हमारी। और यार भीड़ तो अपने इंडिया की तरह यहाँ भी भाई बहुत ज़्यादा है, मेट्रो ये जो मेट्रो ट्रेन से इनमें देखो काफ़ी लोग हाय काफ़ी लोग हैं यार, बहुत सारे लोग हैं। और धीरज पता नहीं किधर गया, धीरज कोई ना, अगर आज घूमने फिरने में मजा नहीं, ऐसे ही आता है ट्रेवलिंग में मजा ना, मतलब ये स्ट्रगल्स ट्रेवलिंग में चलते रहते हैं भाई। अब तो हम पक्का बेल टावर ही जा रहे हैं ना। अभी भी मैं इसको पूछ रहा हूँ भाई, पक्का बेल टावर ही जा रहे हैं ना, जहाँ पे सिटी सेंटर, जहाँ पे हमारा हॉस्टल है वहाँ पे। फाइनली हम लोग आ गए जो मेट्रो स्टेशन था उसके बाहर, और भाई ने गाड़ी रोक दी यार हमारे लिए, क्या बात है, बस वाले भी इतने सज्जन है यहाँ पे यार। देखो हम लोग रोड क्रॉस कर रहे थे, यहाँ पे कोई लाइट वगैरह नहीं थी, तो भाई ने गाड़ी रोक दी। और देखो ये मैं आपको बहुत बार दिखा चुका, लेकिन ये हर जगह मिल जाएंगे ऐसे कपड़ों में, पहले भी शायद पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया होगा ऐसे ट्रेडिशनल ड्रेस में यहाँ पे। अरे भगवान गर्मी भी इतनी है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो स्टारबक्स, चाइना के हर कोने कोने में स्टारबक्स मिल जाएगा, KFC एंड स्टारबक्स। और चाइना में देखो टेस्ला गाड़ीज का ना भाई बहुत तगड़ा प्रचलन हो रहा है। ये देखो ये टेस्ला, एक बार जूम करके बता रहा हूँ, वो टेस्ला है, वो एक तो ऑडी खड़ी है, उससे आगे टेस्ला है, मतलब यहाँ आसपास के ये जो गाड़ियाँ खड़ी है ना, इसमें कम से कम 10-15 गाड़ियाँ ना टेस्ला की है। टेस्ला का मार्केट जबरदस्त फैल रहा है चाइना में, बहुत जबरदस्त तरीके से टेस्ला का मार्केट फैल रहा है। तो गाइज अभी यहाँ पे हो गए शाम के लगभग 7:30 बज गए, और फिर से एक बार सियान सिटी को एक्सप्लोर करने निकले। आज कुछ अलग पार्ट्स में, कुछ अलग जगहों में जाके हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले तो एक यहाँ पे लोकल स्ट्रीट फूड का ठेला है, तो यहाँ से मैं खा रहा हूँ टोफू। ये टोफू आप देख रहे हैं, ये वाला लिए हम लोगों ने दो, एक धीरज ने और एक मैंने। ये हम लोगों ने लिया है 4 युआन का, 4 युआन लगभग होते हैं 50 मतलब 48 इंडियन रुपीज के लगभग। देखने में ऐसे लगता है 4 युआन ये लो, लेकिन जब इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं 50 रुपए, माई गॉड। तो ऐसा कुछ है यहाँ के फूड का यार। तो ये कुछ ठेले वगैरह यहाँ पे बहुत सारे ठेले वगैरह मिल जाएंगे, थोड़ी ज्यादा कर दी भाई।
है कि नहीं सस्ता पनीर? अभी देखो यहाँ पे 7:30 बजे की हलचल कुछ ऐसी है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ भड़ाका बढ़ेगा, वो सामने भी मार्केट वगैरह है, वहाँ भी काफी भीड़ भड़ाका बढ़ने वाला है थोड़ी देर में। और सामने देखो यार शाम को, मतलब देखो ये लाइटिंग वगैरह काफी अच्छी, बिल्डिंग वगैरह काफी अच्छी खासी दिख रही है। यहाँ पे देखो साइकिल वगैरह, ऐसे लोग ना साइकिल वगैरह खड़ी होती है। आप लोग यहाँ पे कोई क्यूआर कोड होता है, कोई एप्लीकेशन होता है, उसको स्कैन करो और साइकिल वगैरह आप लोग राइड करके आ सकते हैं। ये जगह अच्छी लग रही है ना, यहाँ पे बैठ सकते हैं आप लोग, यहाँ पे बैठ के काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वैसे अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ होने वाली है और यहाँ पे सारे ऑफिस वगैरह भी बंद हो गए हैं, सारे ऑफिस वगैरह बंद हो गए हैं। अभी 7:30 बज गया, वैसे टाइम भी बहुत हो गया। और वो ऊपर देखो, आपको दिखाता हूँ, कुछ मुझे भीड़ दिख रहा है बिल्डिंग के ऊपर। वो देखो ऊपर पता नहीं किस चीज़ का भीड़ है यार, वहाँ पे काफ़ी भीड़ भड़ाका है, मुझे लगता है वहाँ पे कुछ है। अभी चल के आते हैं, देखिए रुक जा, अभी चलते हैं उधर, अभी हम लोग वहाँ पे जाएंगे। वो सामने देखो वो मार्केट वगैरह कुछ दिख रहा है, वहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ है, शायद यहाँ पे कुछ फेस्टिवल वगैरह होगा। चलिए चलते हैं, बाकी और कुछ नहीं तो आपको मार्केट वगैरह ही दिखा देंगे। बाकी ये है बेल टावर, मैं सुबह दिन में बोल रहा था ना कि हमें बेल टावर जाना है, बेल टावर जाना है। ये है बेल टावर यार, फेस्टिवल लगा रहा तो मुझे कुछ लगता नहीं है, मुझे लगता है ऐसे ही कोई आज स्पेशल मार्केट लगा होगा यहाँ पे। ये देखो यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस में फोटो वगैरह क्लिक की जा रही है। ये भाई साहब है जो टिकटॉक के वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पे मुझे लगता है ये फोटो क्लिक करने आते हैं यार मैन तो। ये जो व्यू है ना यहाँ पे फोटो वगैरह मस्त आता है, मुझे ऐसे लगता है मैन तो, इसीलिए लोग यहाँ पे आते हैं। देखो हर कोई फोटो क्लिक कर रहा है यहाँ पे। अब मेरे समझ में आया कि यहाँ पे इतना भीड़ क्यों है। इतनी देर का मैं सोच रहा था कोई फंक्शन होगा, कोई फेस्टिवल वगैरह होगा या कोई स्पेशल डे होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल भीड़ होती है, मतलब नॉर्मल डे की तरह यहाँ पे आज भी वैसे ही भीड़ है। क्योंकि वो जो आपको सामने जगह दिख रही है ना, यहाँ से जो फोटो वगैरह क्लिक होता है ना, वो एक नंबर होता है। जब सब लोग वहाँ पे खड़े हैं, वहाँ से फोटो वगैरह क्लिक कर ही रहे हैं, तो क्यों ना हम भी चलते हैं वहाँ पे। यहाँ पे कोई शॉपिंग मॉल है और यहाँ पे काफी स्पेस है खड़ा होने के लिए, फोटो वगैरह क्लिक करने के लिए। वाकई यार अब मेरे समझ में आया कि सारे लोग यहाँ पे खड़े क्यों हैं। यहाँ से देखो जो व्यू दिख रहा है ना, अब बताओ भाई वो जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे लोगों को आज़ादी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, बताओ इससे ज़्यादा फ्रीडम और क्या ही चाहिए यार आपको। मतलब आप लोग इतने एंजॉय कर रहे हैं लोग आग, बिल्कुल वो ना पता नहीं मीडिया की सुनी सुनाई बातें होती है यार। अब आप लोग जो अपने को क्या है कि मीडिया दिखाता है ना, हम लोग उसी में बिलीव करते हैं, मतलब अपनी आँखों से देख पा रहा हूँ तो ठीक है, मुझे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगता कि यहाँ की पब्लिक पे ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस है, पाबंदियाँ हैं, बढ़िया मस्त मज़े से घूम रहे हैं सब, कितना एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिलेगी, यहाँ पे जो लड़के होते हैं ना भाई, लड़कियों को लेके बहुत केयरिंग होते हैं। मतलब ये देखो ये लड़का, मैं इतनी देर से देख रहा हूँ इस लड़की को हवा किए जा रहा है, लड़की खड़ी है आराम से और ये लड़का इस लड़की को हवा किए जा रहा है, बेचारा वो परेशान हो गया होगा हवा करते करते। तो आप लोग कभी चाइनीज लड़की से शादी करने का सोच रहे हैं ना, तो भाई ये मान के चलना आपको केयरिंग होना पड़ेगा, बिना केयरिंग हुए आप केयरलेस होके काम नहीं चला सकते। और मैं इसी को नहीं, मैंने यहाँ पे बहुत सारों को नोटिस किया है, मतलब उनका बैग भी उठाएंगे, उनका सारा सामान उठाएंगे, उनका फ़ोन भी रखेंगे, उनके कपड़े भी मतलब कहीं से ख़राब हो रहे हैं तो उनके कपड़े भी ठीक करेंगे, बहुत ही अच्छे से केयर करते हैं भाई, लेकिन रखते बहुत अच्छे से हैं यहाँ के, ये चाइना के लोगों का मतलब जो जेंट्स है ना उनका मानना पड़ेगा, बहुत केयरिंग है। देखो मैं बोल रहा था ना, वो देखो अब उस लड़की के ना वो कपड़े गंदे हो गए बेचारा, वो काफी देर से साफ सफाई कर रहा है उसके कपड़ों की। अभी यहाँ पे जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा है वैसे वैसे लाइट ऑन करते जा रहे हैं, और जैसे जैसे लाइट ऑन करेंगे, जैसे जैसे अंधेरा होगा ना, यहाँ का व्यू एकदम जबरदस्त दिखेगा, वो सारी लाइट वगैरह ऑन हो जाएगी। ये जो बेल टावर है इसकी भी लाइट वगैरह ऑन कर देंगे ये सारी, और अभी यहाँ पे और भी भीड़ बढ़ने वाली है। और अभी यहाँ पे देखो ये लड़की काफी देर से टिकटॉक वीडियो बना रही है, बेचारा ये लड़का परेशान हो गया होगा मुझे ऐसे लगता है, इसके मतलब पोज दे के देखो। किसी लड़की को शादी करनी हो ना इंडियन को, भाई चाइनीज लड़के से कर लेना, आप लोगों के मजे हो जाएंगे, बहुत केयर करेंगे आपकी। अभी वहाँ पे देखो मोहतरमा हमारे साथ फोटो ले रही है, ये फोटो ले रही है हमारे साथ, मतलब यहाँ पे लोग बाहर के लोगों के साथ फोटो लेना बहुत पसंद करते हैं, यहाँ के लोगों को वैसे फोटो वगैरह लेने का काफी शौक होता है। हाय, योर नेम? Mia, and your? Laura. Nice to meet you. Lorena. Lorena, full name is Lorena. Yeah. Okay. Project. Project? Yeah, to do a project. Okay. You are university student?
University? She's a worker. She's a worker? Yeah. Okay. You are a student, she's a worker. Yeah, sure. तो वो स्टूडेंट है और ये कहीं प्रोजेक्टर पे काम कर रही है, कोई प्रोजेक्ट है उसमें काम कर रही है. देखो एक ये मोहतरमा आ गई. हाय, हाउ आर यू? हेलो, हाउ आर यू? ये भी फोटो लेने आ गई हमारे साथ. सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है भाई यहाँ पे, तो क्या बात है, हर कोई आके फोटो ले रहा है. अभी हम लोग जो वो जगह थी ना, बेल टावर था, वो उधर है बेल टावर. ओ माय गॉड, क्या जबरदस्त व्यू दिख रहा है यार. तो वो बेल टावर को छोड़ के हम लोग इधर आ गए मार्केट साइड में. तो अभी थोड़ा सा पानी लेते हैं. ये देखो यहाँ पे 7-Eleven है, यहाँ से थोड़ा पानी लूंगा. 7-Eleven में आपको थोड़ा सा ग्रोसरी सामान वगैरह, थोड़ा सा खाने पीने का वगैरह सब मिल जाएगा वैसे मिलने को. तो देखो भाई, एक बियर भी है यहाँ पे 7-Eleven में, आपको बियर मिल जाएगी. हेनिकेन है, ये बडवाइजर है. बडवाइजर है जो एक 500 ml का ना 8.5 yuan का, 8.5 yuan का है. तो 8.5 yuan हो गया लगभग 80 और लगभग 100 rupees के लगभग, 100 rupees के लगभग एक बडवाइजर का कैन है, जो ज़्यादा महंगा नहीं है. और ये हेनिकेन है, हेनिकेन का जो कैन है ना वो है 10 yuan का, 10 yuan का, 500 ml का, 10 yuan का. ये हो गया लगभग 120 Indian rupees के लगभग, कोई खास ज़्यादा महंगा नहीं है भाई. ये एक 4 liter पानी का बोतल परचेज किया हम लोगों ने. 4 liter पानी की बोतल का कॉस्ट है 10 yuan, 10 yuan 120 Indian rupees के लगभग होता है. यहाँ पे एक चीज़ तो सब जगह देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे फ्रूट्स है ना हर गली में मिल जाएंगे. लेकिन ये काट के बेचते हैं, ऐसे नहीं बेचते ये ना, मतलब पीसेज में या काट के बेचेंगे. लेकिन यहाँ पे फ्रूट वगैरह काफ़ी महंगे हैं चाइना में नॉर्मली देखा जाए तो. लेकिन यहाँ की नाइट लाइफ है ना, सियान की नाइट लाइफ वगैरह भी काफ़ी फेमस, मतलब काफ़ी अच्छी है. अभी हम लोग घूम रहे हैं ना, काफ़ी मज़ा आ रहा है नाइट लाइफ में, लोगों की जो हलचल है वो देखने में. छोटा मार्केट है, कल तो खैर मैं आपको जो मुस्लिम क्वार्टर मार्केट था ना वहाँ पर लेके गया था. ये छोटा मार्केट है, यहाँ पे शाम को ऐसे छोटे छोटे स्टॉल लगा लेते हैं अपने अपने ठेले के आगे. और यहाँ पे बहुत मस्त मार्केट लगता है, ये देखो शाम तक आगे तक बहुत मस्त मार्केट लगा हुआ है. यहाँ पे देखो मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ पे जो फ्रूट वगैरह ऐसे स्लाइसेस में काट के बेचते हैं ये. और यहाँ पे काफ़ी जगह मिल जाएंगे ये, मतलब ऐसे फ्रूट वगैरह सोप वगैरह काफ़ी जगह मिल जाएंगे. ये देखो अब ये फ्रूट होगा तो मुझे ये तो नहीं पता ये कौन सा फ्रूट है यार, आप लोग बताओ. यदि आप लोगों को पता हो ये फ्रूट कौन सा है, वो वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा है, बाकी और तो मुझे सारे पता है, उधर वाले तो सारे पता, लेकिन ये 2-3 का नहीं पता. ये तो अनार है. कल मैं आप लोगों को अलग मार्केट में लेके गया था सियान के, और आज अलग मार्केट में लेके आया हूँ सियान के ही. यहाँ पे देखो ये लोकल फूड वगैरह कुछ ऐसी शॉप्स वगैरह ऐसी होती है यहाँ पे सियान में. और ये क्या है, ये सैलेड वगैरह इन लोगों ने बना रखी है सैलेड. अभी यहाँ पे मैं खाना खाने कोई छोटा सा रेस्टोरेंट है उसमें आया हूँ. तो पहले तो रेस्टोरेंट दिखा दूँ और फिर ये हेनिकेन का टेस्ट भी बताता हूँ आप लोगों को. ये देखो ये है छोटा सा कोई रेस्टोरेंट है, यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे. बस कितने 6 टेबल डली हुई है यहाँ पे. इन लोगों का ये अच्छा लगता है कि अपना कोई भी कारोबार धंधा स्टार्ट करके लोग बैठ जाते हैं, चाहे फीमेल हो या मेल हो, मतलब मेल और फीमेल दोनों काम करते हैं. बाकी अभी मैं ये बीयर ट्राई करता हूँ. टेस्ट अच्छा है, जैसा मैंने इंडिया में टेस्ट किया ना सेम वैसा टेस्ट है, ऐसा नहीं कि उससे लाइट है या उससे हेवी है. तो अभी यहाँ पे मैंने वही अपना सदाबहार नूडल्स ऑर्डर किया है, वो देखो खाले ले ले एक साथ ही. इसका प्राइस है एक प्लेट का 10 yuan, 10 yuan मतलब 120 Indian rupees. तो गाइज ये था इस वीडियो के बारे में, खाना पीना हो गया, बियर का टेस्ट मैंने आपको बताया, बियर की प्राइस भी बताई, यहाँ के मार्केट वगैरह भी बताई, और पूरे दिन भर का स्ट्रगल था वो आप लोगों ने देखा ही है. तो अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ. वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें.